नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के बारे में। जी हाँ भाई, दुबई के एक्सपो 2020 के बारे में बात करेंगे, फ्लाइट से रिलेटेड बात करेंगे। राजस्थान से अगर आप जाना चाहते हैं तो भाई फ्लाइट कौन सी डेट को कितने प्राइस में अभी फ्लाइटें मिल रही हैं, ऑनलाइन प्राइस आप देखते हो वो ज़्यादा होती है, रियल में कम होती है, तो इससे रिलेटेड हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि हर रोज आपको दुबई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथियों बात कर लेते हैं भाई दुबई एक्सपो। जी हाँ, दुबई एक्सपो 2020 जो 2021 में स्टार्ट हो चुका है 1 अक्टूबर से। जी हाँ, और ये चलेगा 30 मार्च 2022 तक, यानी 6 महीने तक लंबा प्रोसेस चलेगा। इसमें बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होंगे, 190 प्लस कंट्रीज इसमें भाग ले रही है, इंडिया का भी इसमें भाग है भाई। 500 करोड़ के लगभग इंडियन सरकार ने वहां पे अपना पेविलियन बनाया है, जो 438 हेक्टेयर में बताया गया है और 600 से प्लस उसके ब्लॉक हैं। जी हां, बहुत ही भव्य है, उसका उद्घाटन हुआ था कल हमारे मंत्री साहब, जो 1 तारीख को वहां पे अपडेट भी हुए थे, आपको सबको पता ही होगा जो लोग अगर दुबई में हैं वहां पे देखा होगा तो। जी हां, हालांकि देखिए एक्सपो में इंडिया की तरफ से भागीदारी बहुत सारी सैकड़ों कंपनियां लेने वाली हैं जो बड़ी बड़ी है, जैसे बात करें टाटा ग्रुप है, रिलायंस है, या फिर रानी वेदांता ग्रुप है, एसएस भी है, इस तरह की जो बहुत सारी जो बड़ी बढ़िया हैं इंटरनेशनल कंपनी हैं वो वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में भाग लेने वाली हैं। इंडिया का भी उसमें कहीं ना कहीं 100% बेनिफिट होने वाला है। जी हाँ, अगर इसके एक्सपो साथियों 2020 है क्या चीज़, देखिए एक्सपो 2020 एक बहुत सारे देशों का एक जगह एक मिलना होता है, जिसमें सब देश अपने अपनी क्वालिटी कैटेगरी या कुछ भी अपने अपने तरीके से बोल सकते हो, साइंस टेक्नोलॉजी बोल दो या फिर साइबर से रिलेटेड जो भी उनके पास होता है वो वहाँ पे अपनी प्रदर्शनी शो करते हैं। जी हाँ, उनमें से आपने देखा होगा सेम मेले की तरह बोल देते हैं, अपने गाँव में मेला होता है ना, सेम जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो एक दूसरे से खरीद लेते हैं, उनके एग्रीमेंट होते हैं, इस तरह से कुछ होता है। जी हाँ, इसकी अगर देखा जाए तो भाई ये बहुत पुराना है, ये मत समझना कि दुबई में ही शुरुआत हुई है, ये बता दूं मैं 1971 से चल रहा है। चेक गणराज्य था बेहेमिया, जी हाँ ये एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे उसकी शुरुआत हुई थी 1971 में, लेकिन इसकी आधिकारिक जो घोषणा है वो 1851 में हुई थी, इंग्लैंड में लंदन में हुई थी। जी हाँ साथी, उसके बाद में धीरे धीरे ये देखिए हर 5 साल से एक देश को मौका मिलता है इसमें, तो हर 5 साल के बाद में एक देश में होता है, जिसमें अभी दुबई का नंबर आया है तो दुबई में ये प्रोसेस चल रहा है। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं साथियों फ्लाइट से रिलेटेड बात कर लेते हैं भाई। देखिए फ्लाइट की अगर बात देखा जाए तो भाई भीड़ बढ़ेगी, अभी से स्टार्ट हुई अक्टूबर में, नवंबर में बढ़िया तरीके से रश आएगा। एक एजेंसी ने अपने बयान में बताया था कि भाई हम रोज 2000 वीज़े निकाल रहे हैं, यानी इंडिया में एक ऑफिस वाला 2000 वीज़े अगर आवेदन हो रहे हैं तो आप समझ लो कि इंडिया में कितनी सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे लोग दुबई से भी डायरेक्ट वीज़ा लेते हैं, तो आप समझ लो कि इंडिया से कितनी पॉपुलेशन जाने वाली है। हालांकि इंडिया से पॉपुलेशन का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, लगभग समझ सकते हैं कि 25 लाख 30 लाख से ऊपर इंडिया के लोग जाने वाले हैं दुबई में। जी हाँ, इसलिए भाई देखिए भीड़ बढ़ रही है तो फ्लाइटें, भीड़ कम होने की वजह से फ्लाइटें आपको पता है फिर महंगी मिलेगी। जी हाँ, ऑनलाइन अगर आप रेट देखते हो तो दुबई की रेट 40 से 50 हज़ार रुपये आ रही है, लेकिन कल एक प्रैक्टिकल मेरी एक बंदे से बात हुई, उसने बताया कि राजस्थान जयपुर से 20 हज़ार में टिकट मिल रही है। जी हाँ, अब मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई आप ऑनलाइन टिकट देख रहे हो, इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि ऑनलाइन प्रोसेस अलग होता है कि जैसे दुबई राजस्थान से जा रहे हैं, ठीक है जी, तो उसमें क्या होता है कि जो ये बड़ी एजेंसीज है ना वो बल्क में खरीद लेती हैं, जैसे एक फ्लाइट में 150 टिकट हैं, 150 सीटें, तो एक ऑफिस ने, दो ऑफिस ने, तीन ऑफिसों ने वो टिकटें खरीद ली, मैंने 50 टिकटें ले ली, एक ने 30 ले ली, एक ने 40 ले ली, उस फ्लाइट में टिकटें कितनी बच रही हैं, 5-10 बच रही हैं या 10-15 बच रही, उसको फिर वो एयरलाइन ऑनलाइन बेचेगी, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है टिकटें उनके पास सीटें लिमिट है तो वो महंगी मिलेगी। तो ये बताया था कि भाई हम जो टिकट अभी सेल कर रहे हैं 20 हज़ार के समथिंग आपको जयपुर से दुबई के लिए टिकट मिल सकती है। जी हाँ, तो भाई आप देख लीजिए दुबई जाने वाले, अगर आप राजस्थान जयपुर से होके जाते हैं तो बता दूं टिकटों के जो डेट चल रही है, 1 अक्टूबर की फ़्लाइट थी जयपुर से, फिर 3 की थी वो जो आज है वो हो गई। जी हाँ, 8 अक्टूबर की फ़्लाइट है, 9 अक्टूबर की फ़्लाइट है, 11 अक्टूबर को 2 फ्लाइट हैं। जी हाँ, 12 अक्टूबर की एक फ़्लाइट है जयपुर से दुबई के लिए, 13 अक्टूबर को भी फ़्लाइट है, 15 अक्टूबर को फ़्लाइट है, 15 को दो फ्लाइट हैं। जी हाँ, तो ये फ़्लाइटें भाई हैं 15 अक्टूबर तक, अगर आप राजस्थान जयपुर से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मस्कत की फ़्लाइटें भी हैं भाई 16 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 27 अक्टूबर जो जयपुर से मस्कत जाएगी। जी हाँ, ओमान
तो आप टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि देखने में ये आ रहा है कि भाई 15 अक्टूबर तक बढ़िया तरीके से भीड़ है वो बढ़नी लग जाएगी इंडिया से दुबई जाने वालों के लिए, और दुबई में भी आपको पता भाई भीड़ तो बढ़ी रही है। जी हाँ, और उसका एक दूसरा रीज़न ये निकल के आ रहा है कि भाई दुबई में भीड़ इसलिए भी बढ़ रही है कि सऊदी की इंडिया के लिए डायरेक्ट अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जो लोग सऊदी जा रहे हैं वो दुबई होके जा रहे हैं सऊदी, तो आपको पता है यार दुबई उतने ही लोग जा रहे हैं, उतने ही लोग सऊदी जा रहे हैं वो भी दुबई के होके जा रहे हैं, तो फिर फ्लाइटें तो आपको पता है लिमिटेड सीटें, जाने वालों की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से भी भाई ये एक प्रॉब्लम है कि टिकटें महंगी आ रही है। जी हाँ, जैसे ही दुबई सऊदी की फ्लाइटें डायरेक्ट हो जाएंगी तो 100% जो जाने वालों की रीच है वो कम हो जाएगी, तो फिर टिकटें सस्ती मिलना स्टार्ट हो सकती है। जी हाँ, आई होप आपको ये बात जानकारी समझ में आ गई होगी। भाई फ्लाइट से रिलेटेड मैंने अपडेट दे दिया है, बाकी बांग्लादेश की भी भाई फ्लाइटें स्टार्ट कर दी है दुबई सरकार ने, और अभी तो मुझे नहीं लगा कोई देश ऐसा बचा होगा कि दुबई ने उसके लिए फ्लाइटें स्टार्ट नहीं की है। सब देशों के लिए फ्लाइटें स्टार्ट हैं, सब देशों के लिए वीज़ा भी उन्होंने विजिट वीज़ा स्टार्ट कर रखा है, आप सबको पता ही है, क्योंकि अभी का टाइम है उनका कि वो एक उनका एक टारगेट है कि अरबों रुपए दुबई इस एक्सपो में कमाएगा। जी हाँ, जो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बातें शेयर की थी, इंडिया से भाई अरबों रुपए तो इंडिया से चले जाएंगे दुबई की सरकार के अकाउंट में, आप देख लेना इतनी लोग पॉपुलेशन जाएगी, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो आई होप ये वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।